खबर ग्वालियर से है, जहां बॉयफ्रेंड ने बर्थडे पर गर्लफ्रेंड से पहले तो केक कटवाया और उसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता और आरोपी दोनों ही नाबालिग बताए जाते हैं। यही नहीं, आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने की धमकी भी दी। घटना पुरानी छावनी कृष्णानगर की है, जहां छात्रा ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं छावनी थाने पहुंचकर शिकायत की गई है। 9वीं की छात्रा परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 17 साल के लड़के ने उससे पहले दोस्ती की और फिर शादी का झांसा भी दिया। वहीं 23 मार्च को छात्रा का जन्मदिन था। दोपहर में बाजार में जन्मदिन का सामान खरीदने गई। वहीं जब छात्रा सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में राज मिला, जहां जन्मदिन मनाने के बहाने खाली पड़े प्लॉट पर ले गया। यहां बर्थडे केक कटवा कर उसका जन्मदिन मनाया और उसके बाद छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वही छात्रा को आरोपी ने धमकी दिया कि ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा। सीएसपी रवि बदरिया का कहना है कि छात्रा ने शिकायत की है कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ रेप किया है। मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।